तो स्वागत है आपका ज्ञापन अकेडमी के इस वीडियो में। और यह वीडियो नॉन हिंदी का है, लेसन 5, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस लेसन में हम लोग ज़्यादा कुछ कहानी है नहीं है, यह एक भ्रमण की कहानी है। भ्रमण का मतलब समझते हैं परिभ्रमण, यानी लोग कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, यात्रा करते हैं। तो जब यात्रा पहले के लोग करते थे तो कॉपी किताब ले कॉपी ले करके जाते थे, ताकि वहाँ नोटबुक में जो जो अच्छा अच्छा चीज़ देखें नोट कर लें। आजकल तो फ़ोन हो गया है, लोग जाते हैं और वहाँ पर एक से एक अलग अलग प्रकार का फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं वगैरह, जो भी भ्रमण में जाते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि हुंडरू का जलप्रपात, ठीक है, 5 लेसन है, जिनके लेखक का नाम है कामता प्रसाद सिंह, यहाँ काम लिखा है, यात्रा वृतांत। ये कहीं परिभ्रमण यानी भ्रमण करने घूमने के लिए गए हैं, ठीक है। तो ये कहाँ का दृश्य है, तो ये झारखंड का दृश्य है। कभी आप भी झारखंड जाइएगा तो झारखंड में यहाँ हुंडरू का जलप्रपात यानी हुंडरू का वहाँ जो झरना है वहाँ ज़रूर घूमिएगा। बहुत ही सुनहरा वहाँ का, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, ठीक है। वहाँ पे कहा जाता है कि जो हुंडरू का झरना है, ठीक है, वो इस पृथ्वी पर मतलब स्वर्ग के समान है, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो नागपुर का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, नागपुर का स्वर्ग माना जाता है इसे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे इसका दृश्य क्या है। जब लेखक वहाँ गए हैं, यानी कि कामता प्रसाद सिंह जब वहाँ गए हैं, तो वहाँ के हर एक सौंदर्य के बारे में वहाँ तारीफ़ किया है कि वाह, लोग जाते हैं जब विजिट करने के लिए तो हर एक चीज़ देखते हैं और कहते हैं क्या यहाँ का सीन था, और आके चर्चा करते हैं। तो उन्होंने एक कहानी टाइप पर लिख दिया। अभी जो भी यात्रा में उस चीज़ जो जो चीज़ देखें वो इस कहानी में लिख दिए हैं, और उसी के बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। हम लोग यहाँ बैठे बैठे जान सकते हैं कि झारखंड में, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है हुंडरू का जलप्रपात, यहाँ जाने के लिए कैसे रास्ता है, कहाँ से कितना दूर जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे पहुँच करके और ये दृश्य देख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या क्या ये दिखाए हैं। झारखंड के छोटा नागपुर का स्वर्ग इसे माना जाता है, ठीक है, हुंडरू को। वैसे हुंडरू का झरना, वहाँ पे झरना तो बहुत सारा है, लेकिन सबसे खूबसूरत जो झरना है वो है हुंडरू का झरना, ठीक है। अब देखिए इसका चर्चा किया गया है, झरने की सुंदरता के बारे में चर्चा किया गया, प्राकृतिक दृश्यों की विशेषता बताई गई। प्राकृतिक का जो दृश्य होता है वाकई में जो गॉड ने बनाया है ना, जो खुदा ने बनाया है, वैसा इंसान कभी नहीं बना सकता है उतना खूबसूरत चीज़। क्योंकि अगर इंसान बनाता तो दूसरे जगह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई पर्यटक स्थल नहीं होता, कोई घूमने लोग कहीं नहीं जाते। जो नेचुरली बना दिया गया है, मान लीजिए कि किसी इलाका में पहाड़ नहीं है और वहाँ के क्षेत्रीय लोग उसको ज़्यादा मतलब बार बार वहाँ नहीं जाते हैं, नहीं घूमते हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत सारा बड़ा पहाड़ है और जिस एरिया में पहाड़ नहीं है, तो दूसरे एरिया के लोग जाएंगे पहाड़ देखने के लिए। सिर्फ जो भी पर्वत होगा उसको देखने के लिए वहाँ जाके अलग अलग प्रकार का दृश्य का मतलब सीन लेंगे, फोटो खींचेंगे, ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया एक संदर्भ है, ठीक है। यहाँ देखिए वहाँ पे सड़क कैसी है, वहाँ दिखा है कि सड़क मतलब कि तिरछी सड़क बनाया गया है, ठीक है, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, ठीक है। पहाड़ वहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा पहाड़ है, ठीक है। और देखो जब पहाड़ पर नदी चढ़ती है और नदी जब चढ़ने के बाद दूसरे तरफ झरना के रूप में गिरती है, वो दृश्य बहुत ही सुहाना लगा किनको, कामता प्रसाद सिंह को, ठीक है। नदी के बारे में बताया गया कि बहुत सारी नदी वहाँ पे आकर के, ठीक है, मिलती है। आप देख सकते हैं कि जब एक साइड पहाड़ और फिर दूसरे साइड भी पहाड़, और जो बीच से नदी गुजरती है उसका दृश्य भी काफ़ी सुहावना लगता है, ठीक है। अब देखिए जंगलों की सुंदरता, वहाँ जंगल भी बहुत खूबसूरत दिखता है, एक लाइन से एक कतार में बहुत सारे जंगल जो दिखता है, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। एक प्रकार से बोला जाए तो पृथ्वी का एक खूबसूरत नगीना मान लो जंगल को, ठीक है। अब देखिए अबरक वहाँ पे है, कोयले के खानों का वर्णन, वहाँ पे कोयले के खान का भी वर्णन किया गया है कि जो हमारी पृथ्वी जन्म देती है कोयले के खान को, इस कोयले के खान से, ठीक है, हम लोग अपने घर में सोना लाते हैं, यानी कि उसी के द्वारा उसको बेच करके, वहाँ भी तो कोयले के खान जहाँ पे होता है, ठीक है, उसका भी तो हम लोग इस्तेमाल करके अपने हित में काम में लाते हैं और आगे अपना जो भी आर्थिक व्यवस्था को सुधार सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे निराला बताए थे हम, सबसे खूबसूरत कौन है, हुंडरू है, ठीक है। अब ये कहाँ है और आपको कैसे जाना है, कभी आप रांची जाइए तो ये हुंडरू का झरना जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए जो रांची से जब आप रांची पहुँचेगा, वहाँ से 14 मील दूरी पर एक है पुरुलिया जगह, और वहाँ से 13 मील दूरी पर क्या है, हुंडरू है,
ठीक है, और हुंडरू का जो झरना है जो ऊपर से पहाड़ से गिरता है पानी, ठीक है, उसकी ऊंचाई बाबू 243 फुट है। ठीक है, अब इतनी ऊंचाई से जब पानी गिरेगा तो पानी जब पहाड़ पे गिरता है तो वहां से वो उछलता है। ठीक है, एक जैसे कि हिरण का बच्चा या हिरण जैसे उछलता है वैसे ही उछलता है, और आवाज कैसे करता है जैसे कि शेर की गर्जन हो, ठीक है, वैसे आवाज करता है, सांप की फुफकार हो वैसे आवाज करता है। ठीक है, और जो उसका पानी ऊपर तक उछलता है, ठीक है, वो लगता है कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखे हैं कि कभी कभी जब बारिश होता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है कि उसको हम लोग रेनबो बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी लगता है कि 7 टाइप का कलर निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा ये पानी जो है ये कहाँ से कहाँ आता है। ठीक है, और फिर लास्ट में आप जानते हैं कि लगभग सब पानी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक है, स्वर्ण रेखा यहाँ देखिएगा उद्गम स्थल जहाँ से ये पानी आता है, उद्गम स्थल स्थान से 50 मील आगे आपका हुंडरू पड़ता है, जहाँ से ये निकलता है वहाँ से 50 मील आगे आपका हुंडरू पड़ता है। ठीक है, और हुंडरू से धनबाद सिंहभूमि एवं बालासोर जिले से जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है, यानी कि ये पानी जाकर कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। जब लेखक वहाँ गए हैं ये तो जान लिए कि वो पानी कहाँ से कहाँ जाता है, जब लेखक वहाँ गए हैं तो वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे, बहुत ही सभ्य और सुशील व्यक्ति हैं। ठीक है, वहाँ चुपचाप ऐसे खड़ा रहते हैं जैसे कि लोग विजिट करने जो घूमने जा रहे हैं तो उनका स्वागत कर रहे हैं, ऐसे वहाँ के लोग खड़े होते हैं, और थे तो वहाँ के लोग बहुत गरीब। ठीक है, अब देखिए, और वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं विजिट करने के लिए घूमने के लिए उनके रहने के लिए वहाँ की मतलब डिस्ट्रिक्ट सरकार ने मतलब जो भी है डिस्ट्रिक्ट द्वारा एक बंगला भी बनवाया गया है जहाँ पे लोग जा करके रेस्ट लेते हैं फिर उठ करके लोग घूमते हैं। पर्यटक स्थल पर ऐसे ही होता है, रहने के लिए व्यवस्था रहता है। देखिए वहाँ डिस्ट्रिक्ट में बंगला वगैरह सब कुछ व्यवस्था था लेकिन खाने का व्यवस्था नहीं था। अगर वहाँ पे उन वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पे अगर व्यापार करते, ठीक है, तो वहाँ पे उनका आर्थिक स्थिति भी सुधरता, पैसा रुपया भी उन लोग का अच्छा कमाई होता। ठीक है, और जो भी यहाँ से जाने वाले लोग जो पर्यटक हैं, पर्यटक घूमने जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी सुविधा होती। तो वहाँ एक चीज़ की कमी है कि वहाँ पे खाने और पीने के लिए कुछ नहीं था। अब देखिए वहाँ पे अब देखिए जब पानी जब गिरता है, ठीक है, तो दो प्रकार, एक तो यहाँ लिखे हैं पत्थर वहाँ दो प्रकार के होंगे, एक जिस पर से पानी गिरता है, ठीक है, चारों तरफ पहाड़ को तोड़ के रास्ता जो बनाता है वहाँ से मतलब रास्ता तोड़ करके मतलब उसके बाद से क्या बनाता है, पानी अपना रास्ता बना लेता है और वो झरना पर चढ़ता है, और जब वो झरना पर मतलब कि पहाड़ पर चढ़ता है, ठीक है, और पहाड़ पर चढ़ने के बाद मतलब काफ़ी पानी का मकसद होता है कि हम किसी तरह पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद से चढ़ने के बाद और उसको पहाड़ रोकता है, क्योंकि मान लीजिए कि ऐसे ऊंचाई पर अगर पहाड़ और नीचे से पानी चढ़ेगा पहाड़ पे और फिर गिरेगा तब झरना कहलाएगा। यानी झरना कैसे, अगर पहाड़ पर चढ़ के पानी और फिर वहाँ से गिरेगा, ठीक है, मतलब बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है, ऐसे लगेगा धुआं धुआं की तरह एकदम दिखता है, मतलब रुई के फाह की तरह। और फिर जब वहाँ से गिरता है तो एक तो पहाड़ पर से चला वो एक पहाड़, और दूसरा जहाँ पे पानी गिरता है जिस पत्थर पे पानी गिरता है एक वो दूसरा पहाड़ होता है, यहाँ पर्वत दो प्रकार का हो गया। वो पर्वत जो जिस पर पानी गिरता है, ठीक है, वो पर्वत टूटता नहीं है, वैसे ही चमकता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर्वतों की पत्थरों की क्वालिटी भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो वहाँ के दृश्य इसीलिए भव्य दिखता है क्योंकि जब पानी गिरेगा झरना से जब पानी गिरता है तो काफ़ी ऊंचाई से गिरता है, और ऊंचाई से गिरने के बाद उसका दृश्य अलग अलग दिखता है, अनेक प्रकार की आवाज़ें निकलेंगी उसमें से, ठीक है, अनेक प्रकार का रंग दिखेगा। ठीक है, बहुत ही सुहावना होता है। कभी झारखंड जाइए तो हुंडरू का झरना जरूर देखिए। यहाँ देखिए, अब देखिए लोग जो दानी लोग होते हैं वो दान करके बार बार रिपीट करते रहते हैं, आप देखिएगा कभी, ठीक है, कि हम बहुत बड़े दानी हैं, यहाँ दान किए वहाँ दान किए, लेकिन आप जरा सोचिए कि प्रकृति कभी घमंड नहीं करती। आप कभी सोचे होंगे कि देखिए जो ये हुंडरू का झरना है या फिर कहीं का झरना हो, ठीक है, जब पानी गिरता है तो पानी कहाँ से आता है, पर्वत को पिघल करके जो पिघलता है वही तो पानी बनता है ना, जो पसीजता है उसको बोल सकते हैं, वही तो पानी बनता है ना, तो वो युग युग से बहुत दिनों से हम लोगों को पानी दे रहा है। ठीक है, वो कभी इस बात का घमंड नहीं किया,
ठीक है। एक कहावत कहा जाता है कि आप सुने भी होंगे कि एक जो फूल होता है, एक माली ने फूल से पूछा, ठीक है, कि तुम तो प्रकृति के दिए, मतलब तुमको तो प्रकृति के ने बनाया, हमको भी प्रकृति ने बनाया है, ठीक है, तो तुम सबको देते हो खुशबू, ठीक है, तुमको क्या मिलता है, ठीक है। तो फूल बड़ी ही अच्छे स्वर में बात बोला कि देखिए, कुछ देकर कुछ लेना तो व्यापार है, लेकिन कुछ दे के कुछ ना ले वही तो सच्चा प्यार है, ठीक है। वैसे ही ये भी है प्राकृतिक, ये जो युग युग से सबको क्या दे रहा है, ये पानी दे रही है प्राकृतिक, ठीक है, पर्वत दे रही है, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं किया। और इंसान एक बार दान करके, ठीक है, अपने आप को बहुत बड़ा दानी साबित करता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे यूट्यूब वगैरह में भी, ठीक है, कि बहुत लोग क्या करते हैं कि दान करते हैं और फिर उसका फोटो भी लेते हैं, ठीक है, कि हम इतने दान करें, तो यार उस दान का क्या फायदा जब आप कह ही दे रहे हैं। एहसान करके कभी जताया नहीं जाता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम लोग जो ये दृश्य था हुंडरू का, ठीक है, हुंडरू का जलप्रपात, ठीक है, आते हैं इसमें एक रहस्यमयी बात क्या है, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं कि किमोदंती यह है कि, मतलब वहाँ झरना के बाद से जब आप देख लिए तो वहाँ से हुंडरू से 7 मील दूर एक बहुत ही घना जंगल है, एकदम झरना भी वहाँ पे है, बहुत ही घना जंगल है और भव्य है, ठीक है। वहाँ पे इतना घना जंगल है और भयानक है कि वहाँ अभी तक कोई गया नहीं है, ठीक है। तो वहाँ भी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ठीक है, कि जब वहाँ दृश्य अच्छा है तो वहाँ के लिए भी वहाँ पे सड़कें बनवाएं, ताकि जो भी लोग पर्यटक लोग घूमने के लिए आएँ तो वहाँ से, मतलब वहाँ पे जा करके घूमें और मस्ती करें, ठीक है, और वहाँ के दृश्य देखें। आखिरकार कुछ ना कुछ वहाँ पे रहस्यमयी बातें जरूर मिलेगी। देखिए, कहीं भी घूमने वाला जो भी जगह होता है वहाँ कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छिपा रहता है, या फिर वो कोई राजा महाराजा पहले रहे हो तो, ठीक है, या फिर कभी हम लोग घूमने जाते हैं तो देखने जाते हैं कि कोई कभी यहाँ पे युद्ध हुआ है, ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिलता है। और वैसे भी जो ये कामता प्रसाद सिंह है, अपने जितने भी भ्रमण किए हैं, घूमे, उसके बारे में जिक्र किए हैं, और घूमने से काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। और जब भी आप झारखंड जाइए, एक बार हुंडरू का झरना ज़रूर देखिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।